रुद्रप्रयाग में जनपद स्वाधीनता का अमृत महोत्सव और वैश्विक शास्त्र पुनरावलोकन शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के चलते उत्तराखंड नवरचना चिंतन परिसंवाद अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राम मंदिर निर्माण, राष्ट्र निर्माण और विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। वहीं जनपद मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाने के साथ ही भारत को आर्थिक रूप से गौरवान्वित बनाने को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आजादी के 75 साल में, और एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर एक ग्राम वासी से लेकर और ऊपर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का स्तर तक सभी लोग इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव में। और हमारी भारतीय व्यवस्था भी जो हमारा स्वतंत्र कहते हैं वो सामाजिक आधारित ही था, और जितने हाथ अधिकाधिक काम करेंगे उतने देश की जीडीपी बढ़ेगी, उतना ही आर्थिक इकोनॉमिक वृद्धि होगी, और यही उसका लक्ष्य है। देश गुना विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सब दृष्टि से हमारा देश विश्व का सिरमौर हो रहा है।